नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज के विंध्य प्राइम टाइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास रिपोर्ट, रीवा जिले में बढ़ती नशाखोरी, आपराधिक घटनाओं और विधायकों की जवाबदेही के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे यह अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। विंध्य प्राइम टाइम के प्रायोजक हैं मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रीवा। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा, इंदौर, प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल की पढ़ाई के साथ कोचिंग भी, गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौरहटा रीवा। संपर्क करें 7024892222 9425184883। ऐसा लगता है कि रीवा जिले के 8 विधायक लापता हो गए हैं। जी हाँ, ये बात इन दिनों जिले भर में लोगों की जुबान पर है कि हमारे विधायक महोदय लगता है कहीं लापता हो गए हैं। आपको बता दें कि युवाओं में बढ़ती नशाखोरी के कारण रीवा जिले में अपराधों की बाढ़ आ गई है। पुलिस बल कम होने का रोना रो रहा है, वहीं एक लंबे समय से इसी जिले में पदस्थ होने के कारण पुलिस ढीलेपन का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में समूचे रीवा जिले में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। रीवा शहर की सड़कों में आम लोगों, खासकर महिलाओं का चलना दूभर हो गया है। नशाखोरी के शिकार युवा सरेराह लोगों के मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं। चैन स्नैचिंग की घटनाएं भी आम हैं। पलक झपकते ही मोटरसाइकिल और स्कूटर बीच बाजार से गायब हो जाते हैं। शहर के मेडिकल स्टोर और चाय पान की गुमटियों सहित जगह जगह कफ सिरप सहित नशे का सामान खुलेआम बिक रहा है। दिन दहाड़े चौराहों सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों तक में मारपीट, फायरिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। आम लोगों को भय के वातावरण में जीना पड़ रहा है। ऐसे में आम लोगों को लगता है कि उन्हें भयमुक्त माहौल दिलाने माननीय आगे आए, लेकिन वे लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं जो विधानसभा चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किया करते थे और ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाया करते थे। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने की खुशी का जश्न जैसे ही खत्म हुआ और मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी, वैसे ही जिले के 8 विधायकों को न जाने क्या हो गया कि वे एकदम से ओझल ही रह गए। अलबत्ता रीवा विधायक राजन शुक्ल की फोटो कभी कभार अखबारों में दिखाई भी देती है और उन्हीं के साथ सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी भी नजर आते हैं। इनके अलावा 6 विधायकों का तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दूर दूर तक पता भी नहीं है। आपको बता दें कि विगत विधानसभा चुनाव में जहां मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी है, वहीं रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई है, जिनमें रीवा से राजन शुक्ला, मनगवा से पंचूलाल प्रजापति, मऊगंज से प्रदीप पटेल, त्योथर से श्यामलाल द्विवेदी, सिरमौर से दिव्यराज सिंह, सेमरिया से केपी त्रिपाठी, देवतालाब से गिरीश गौतम और गुड़ से नागेंद्र सिंह विधायक हैं। सभी विधायक क्षेत्रों में युवा वर्ग तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में खुलेआम नशे का कारोबार तेज गति से बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं तेजी से पैर पसार रही हैं। पुलिस पर से अपराधियों का भय समाप्त हो चुका है, वहीं आम आदमी भयभीत होकर जीवन जी रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय विधायकों का चुप रहना लोगों को इस बात की चर्चा के लिए विवश कर रहा है कि आकर वोट के लिए दिन रात दरवाजे पर खड़े रहने वाले माननीय जीत मिलते ही कहाँ चले गए, कहाँ गए उनके लुभावन वादे और लच्छेदार भाषण। लोगों का कहना है कि भले ही सरकार कांग्रेस की है, इसके बावजूद भी विधायक को विपक्ष में होने का सही रोल तो अदा करना चाहिए। अगर विधायक की सुनवाई नहीं होती है तो उसे जनता के साथ जनहित में सड़क पर उतरना चाहिए। आज ही विंध्य प्राइम टाइम में इतना ही। खास खबरों, स्पेशल रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर अभी भी आपने यूट्यूब पर हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। नमस्कार।